गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आभार नशा मुक्ति केंद्र के केयर टेकर शाविद अली खान की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि इन पांचों आरोपियों का आभार नशा मुक्ति केंद्र में इलाज चल रहा था। उस वक्त पुलिस को सूचना मिली थी कि लाजपत नगर जो थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक एरिया है, वहां पर एक नशा मुक्ति केंद्र चलता है जिसका नाम आभार है। वहां पर उसके जो साबिर देखरेख करते थे उनका शव उनके कमरे में पड़ा हुआ है। इस पर पुलिस पहुंची थी मौके पर और छानबीन में यह प्रकाश में आया कि नशा मुक्ति केंद्र में जो ऑलरेडी नशा की मुक्ति के लिए जो मरीज एडमिट थे वो भी करीब 8 लोग गायब थे। जांच से और चीज़ें हम लोग जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें ये पता चला कि वो 8 लड़के, वो 8 जो मरीज वहाँ ऑलरेडी एडमिट थे, उन्हीं के द्वारा साबिर की हत्या की गई थी। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया और उन 8 के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया। 8 की विरुद्ध 4 टीमें बनाई गई। 4 टीमों के द्वारा दिन रात मेहनत करके आज ये 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से सुदेश, दीपक, तरुण, शाहरुख और चांद, ये 5 गिरफ्तार किए गए हैं। 3 इनके जो और साथी हैं विशाल, योगेंद्र और खेमचंद्र, ये अभी वांछित चल रहे हैं। इनके विरुद्ध हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास जारी है, शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने ये बताया कि जो आभार नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर इन लोगों ने उनकी हत्या साबिर की इसलिए कर दी क्योंकि साबिर वहाँ पर बहुत कठोरता से पेश आते थे, महीनों महीनों इनके परिजनों से बात नहीं कराते थे। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि इनमें से काफ़ी लोग नशे के जो आदि थे उनमें से नशे से मुक्त हो गए थे, उसके बावजूद इनको घर नहीं जाने दिया जा रहा था। इनकी ये भी शिकायत थी कि वहाँ पर खाने पीने की सुविधाएँ बहुत ही निम्न स्तर की हुआ करती थी, इसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। हत्या करने के पश्चात ये लोग अपने अपने स्थान पर भाग गए थे। पुलिस के द्वारा अपना अथक प्रयास करके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।